As you okay. said, that inflammation is a protective phenomena, like uh, uh, fat in the liver, then cholesterol in the blood. So, Nein, fat in the liver is not inflammation. Okay, fat is okay. protective okay. for inflammation. Protective. Okay, ah. protective for inflammation, and then cholesterol is also similarly protective hmm. phenomena. So, what then if a patient has a high cholesterol and he is uh, going into like a blockage of the arteries and maybe he has some minor heart attack so immediately we should give him medicines or not or should we starting say okay 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 i got the i got where you want to but go but i have I, second I, question I also the... second mm -hmm. question also i ask in the line so that you answer both so i am already into a program of your beginner kumbhak program program and i am there for last two months so i have mm. received many benefits but for weight loss i need to join the separate course or the

बॉडी गेट्स एन टू इनफ्लेटरी स्टेट ना हाउ टू प्रोटेक्ट इट वॉट ड बॉडी डू टू प्रोटेक्ट इट तो बॉडी क्या करेगा उसको प्रोटेक्ट आप क्या करेंगे थोड़ा सा घी लगा लो तो कम हो जाएगा इन्फ्लामेशन तो बॉडी भी तो लगाएगा ना तो so, वही लीवर जो है वो थोड़ा घी लगा रहा है ना फैट क्रिएट कर रहा है आप कहते हैं फैटी लीवर हो गया आपका बॉडी बनाना चाहता है कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल से इन्फ्लामेशन कम होता है तो कॉटिसोल कैसे बनाएगा वो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वो रॉ मटेरियल है कोटेसोल बनाने का तो आपके बॉडी को ट्राइग्लिसराइड uh, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना चाहिए बढ़ाना ही चाहिए ना मगर आप कहते हैं नहीं उससे तो आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ब्लॉक से कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता क्या आपको मालूम है इस बात का बिकॉज यू आर रीडिंग समथिंग एंड क्रिएटिंग एन आइडिया ब्लॉक से हार्ट अटैक नहीं होता पहली बात डू यू नो एंजियोप्लास्टी इज अनसाइंटिफिक कभी नहीं करवाना चाहिए क्योंकि बॉडी अपने आप ही कोलेट्रल खोल देगा अगर आप नहीं करवाएंगे तो हा अटैक किस वजह से होता है अटैक होता है जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है मुझे बताइए नाइन्टी फाइव ब्लॉक क्या एक महीना परसेंट पहले 95 परसेंट नहीं था 95 आने में तो बहुत टाइम साल लग जाते हैं कई साल लग जाते हैं क्या एक महीना पहले 95 नहीं था ब्लॉक तो ब्लॉक से अगर आना था तो एक साल एक महीना पहले जो 95 हुआ था है उस समय अटैक आना चाहिए था ना पर नहीं आया क्या 92 में अटैक नहीं आएगा 94 में नहीं आएगा क्या आपके बॉडी ने जब पैदा हुए थे तो एक यूजर्स मैनुअल देके भेजा था कि भाई इतने में हार्ट अटैक आएगा आया था जब पैदा हुए थे तो यूजर्स मैनुअल आया था क्या आपके बॉडी का आप तो आइडिया लगा रहे हो ना कि इतना गलत <laughs> इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए कुछ भी आइडिया लगा रहे है।, है ना कुछ भी आइडिया लगा रहे कि ब्लड प्रेशर वन ट्वेंटी बाई होना चाहिए अब आपने सब पढ़ लिया वही मैं कह रहा हूं आप लोग समझदार हो मगर आप लोग पढ़ लिख गए तो प्रॉब्लम है तो आपके दिमाग में आपने क्या आइडिया क्रिएट किया वन एट्टी वन ट्वेंटी बाई एटी सही होना चाहिए मगर यह है नहीं सही क्या फॉर्मूला होना चाहिए योर एज योर एज प्लस हंड्रेड प्लस माइनस टेन तो सपोज करो आप चालीस साल के हैं तो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है वन फिफ्टी वन फिफ्टी बाई नाइन्टी फाइव का नॉर्मल है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर वन फिफ्टी तो आप जान ही नहीं देंगे क्योंकि आप अगर वन फिफ्टी में नॉर्मल फील करेंगे तो आपका डॉक्टर कमाई कैसे करेगा तो दवाई देके ही कमाई करेगा ना तो आप स्टैंडर्ड को कम कर दीजिए मालूम है आपको कभी 180 स्टैंडर्ड हुआ करता था 180, एटी वन एटी बाय 100 क्या आपको मालूम है महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर क्या था 220 सौ बीस बटा एक पूरी लाइफ टाइम रहा उनको तो हार्ट अटैक नहीं आया कोई तो हम बॉडी के टॉलरेंस का तो नजरअंदाज कर रहे हैं देखो जिन लोगों का कम टॉलरेंस है उनको प्रॉब्लम आ सकती है जिन लोगों का टॉलरेंस ज्यादा है वो 250 300 में भी कुछ नहीं होगा आपको यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप टॉलरेंस बढ़ा दीजिए नंबर से आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला अब दूसरी बात अब और बात आ जाती है कि क्या कोलेस्ट्रॉल की वजह से डिपोजिशन होता है आ होता है द आंसर इज यस एंड नो बोथ लेकिन क्योंकि हो सकता है किसी में तो वी आर ट्रीटिंग इट एस कि चलो इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लॉकेजेस हो होगा गई होगा सो लेट्स गो टूवर्ड्स पुटिंग इन कम करने की कोशिश करते हैं मगर यह बहुत फेटल चीज है स्टार्टिन अगर आप खाएंगे आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बिगड़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल हाई होने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला मगर आपको लो करके नुकसान हंड्रेड परसेंट गारंटी है डेटा बता रहा हूं डेटा बता रहा हूं ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड डायबिटीज केसेस आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ टेकिंग स्टैटींस तो आपने कोलेस्ट्रॉल कम करके बीमारी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई और अगर आपका बॉडी में हार्ट में एथरोस्क्लेरोसिस हो गया था अगर थोड़ा सा कुछ हफ्ते तक उस दर्द को थोड़ा झेल जाते तो एक नया कोलेस्ट्रोल बन जाता ना वहां पे आप स्कैन करके देखो ये सब बातें आप जरा गूगल में जाके देखिए कि आजकल ये बातें आ रही है कि एंजियोप्लास्टी तो करना ही नहीं चाहिए बिकॉज हार्ट कैन हैंडल बट प्रॉब्लम एक और है जिसकी तरफ में मैं आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाय कॉन्टिन्यूस पुटिंग इन केमिकल्स इन द बॉडी बाई चेंजिंग द एनवायरमेंट एंड चेंजिंग द फूड वी हैव ब्रॉड डाउन द टॉलरेंस लेवल ऑफ दिस बॉडी अपने दादा दादी याद है कितना काम कर पाते थे जरा सी छोटी मोटी प्रॉब्लम से उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी हमको तो जरा सा जरा सा कुछ इधर उधर हो जाए प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है तो टॉलरेंस तो लेवल आपने कम कर दिया अब उसमें आप और कम कर दिया हो सकता है पांच साल बाद में कहें कि ब्लड प्रेशर जो है ना 120 ट्वेंटी बाई एटीन बाई सेवेंटी नॉर्मल है पता है पांच या दस यूनिट दस यूनिट नंबर को इधर उधर करके आप कितनी दवाई बेच सकते हैं बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की दवाई बेच सकते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा ठीक है कि क्या जो आपने आइडिया लगाया क्या वो सही आइडिया है क्या ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक आता है ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं आता क्लॉट फॉर्मेशन से आता है क्लॉट फॉर्मेशन हमेशा रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए होता है रिस्क बढ़ा देंगे तो हार्ट अटैक आएगा तो गोली डाल डाल के रिस्क बढ़ा रहे हैं गलत फूड डाल के रिस्क बढ़ा रहे हैं मगर रिस्क आप कितना कम कर लेंगे बाहर से अंदर से टॉलरेंस बढ़ा लीजिए ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इसीलिए कह रहा हूं ये जरूरी है ये सबके लिए अर्जेंसी में जरूरी है अदरवाइज यू कैंट प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज यू आर जस्ट क्रिएटिंग आइडिया हम तो रिस्क कम कर रहे हैं जी ये खिला के स्टार्टिंग खिला के रिस्क कम कर मुझे डेटा बताओ ना कहा रिस्क कम कर रहे हैं किसको कहां पे किया कम क्या आपने उसके साथ में कोई एक्सपेरिमेंट किया या फिर रिसर्च किया जहां पे आप बिना दवाई दिए लोगों को रिस्क रिस्क कम कम कर कर रहे हैं और दवाई देके जब भी आप ये दोनों चीज ले आएंगे ना तो आपको पता चलेगा दवाई देके रिस्क बढ़ा रहे हैं बिना दवाई देके हम रिस्क कम कर सकते हैं एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट वे इज बाय इंप्रूविंग द टॉलरेंस लेवल एंड अदर फंक्शनैलिटी वही हम कर रहे हैं ठीक है ना Hello, तो सब क्या तो क्या दूसरा प्रोग्राम क्या दूसरा आपका क्वेश्चन था कि क्या ये प्रोग्राम करना था वो जो जेनरिक है ना जो जेनरिक हमने दिया है आ, क्या उससे वेट काम होगा? कम होगा हाँ उससे कम होगा बट वो थोड़ा लेट काम करेगा क्योंकि वो जेनरिक दिया क्योंकि वो हम रिस्क हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई बंदा कुछ को ज्यादा इधर उधर करके अपने आप को मतलब कि, किसी और स्टेट में जाए तो जेनरिक जो है ना बहुत जेनरिक है ये कस्टमाइज है तो अगर आप टू आस्क कि क्या हम दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं या हाँ, दोनों कर दोनों कर सकते हैं, कर okay. सकते हैं। आ, आ, जो कैसे करना है वो हम आपको प्रोग्राम में बता देंगे